हेलो किड्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर 2, दैट इज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। टुडे वी आर डूइंग सम मोर सम्स इन विच वी विल रीड द लैंग्वेज एंड विल ट्राई टू मेक अ इक्वेशन बाय आवरसेल्व्स। अभी तक हमने क्या करा, हमें इक्वेशन बनी बनाई मिलती थी एंड वी कैन डू द कैलकुलेशन। लेकिन धीरे 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 एज वी आर मूविंग इन द चैप्टर वी हैव टू मेक द इक्वेशन बाय आवरसेल्व्स एंड हैव टू सॉल्व इट। सो इसमें ये जो इक्वेशंस हम फॉर्म करते हैं, ये इक्वेशंस हम फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। जो हमें जैसा दे रखा होता है वो हम ध्यान से पढ़ते हैं, जैसा हमने थोड़े से पहले सेशंस में भी देखा था। सो लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्दर। सो एक और इसमें कॉन्सेप्ट जा रहा है, वो जा रहा है कि देयर आर नंबर्स, सो देयर आर डिफरेंट वेज टू राइट द नंबर्स। कैसे, जैसे आपका नंबर 56 है, तो इज देयर एनी अदर वे टू राइट इट। और उसके साथ एक और थिंकिंग करनी है कि विच नंबर विल वी गेट इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स। सो लाइक अब हमारा जब टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स की वैल्यूज आती है, तो एज वी शिफ्ट द डिजिट्स हमारी प्लेस वैल्यू। सो नाउ वी सी डेट वन मोर कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न, डेट इज कि जो नंबर्स हमारे पास होते हैं, हाउ कैन वी राइट नंबर्स इन डिफरेंट वेज। द अदर थिंग इज हम एक चीज और इसमें देखेंगे कि अगर वी इंटरचेंज द डिजिट्स, लाइक टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स में क्या होता है, अगर हम कुछ डिजिट को आगे पीछे लिख दें, उनका प्लेस वैल्यू को चेंज कर दें, तो क्या होता है, प्लेस वैल्यू चेंज होने से देयर वैल्यू ऑल्सो चेंजेस और हम जो स्पीक आउट करते हैं इट्स नॉट द सेम नंबर। सो दीज टू थिंग्स वी आर गोइंग टू पुट फोकस ऑन दिस इन दिस स्लाइड। कि एक तो है कि व्हाट इज द अदर वे टू राइट एनी नंबर, इसमें हमने एग्जांपल लिया है लाइक 56, ऐसे टेंस का आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। और फिर हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे, वी विल डिस्कस दैट अ बिट लेटर ऑन। सो हाउ कैन वी राइट 56? 56 क्या हुआ, 5 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पर है ना, तो वी कैन राइट 10 × 5 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 1। सो 56 कैन बी रिटन 10 × 5 + 6, ठीक, क्योंकि 6 क्या है, 1s की प्लेस पे है, तो हम अवॉइड करते हैं कि वी डोंट राइट 1। इज दिस थिंग क्लियर टू यू, इसलिए हमने यहां पर 1 नहीं लिख रखा है। नाउ इफ वी इंटरचेंज, तो 56 क्या हो जाएगा, 65। एंड व्हेन इट इज कमिंग टू 65, हाउ कैन वी राइट 10 × 6, और यहां पर ये प्लस 5, तो 10 या प्लस 5 नीचे भी लिखा है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं है, इट इज द सेम थिंग, वो नीचे आ गए इसलिए हमने आपको सामने लिखकर दिखा दिया। तो 65 कैन बी रिटन 10 × 6 + 5, तो यहां पे टेंस का मल्टीप्लीकेशन वॉज विद 5 बिकॉज द यहां पे टेंस प्लेस पर 5 था, यहां पे टेंस प्लेस पे 6 आ गया, तो इसलिए हमने 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड 56 को हमने जब इंटरचेंज करा, तो 56 जो हमारे पास नंबर था, दिस वॉज 56, ये टेंस प्लेस पे था, ये 1s प्लेस पर था, सो यहां ये हमारा इस साइड में आ गया एंड 5 गोस ऑन दिस साइड, तो इस टाइप से हमारा इंटरचेंज हो गया। नाउ अब इस कॉन्सेप्ट पे देयर इज वन लैंग्वेज क्वेश्चन, लेट अस डू टुगेदर। द डिजिट्स ऑफ ए 2-डिजिट नंबर डिफर बाय 3, ठीक है, 2-डिजिट नंबर है और उनका जो आपस में डिफरेंस है, डेट इज द डिफरेंस ऑफ 3। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टेंट नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, अब जो हमने इंटरचेंज करके जो हमारा नंबर हुआ,
and that number is added to the original number, we get 143. What can be the original number? Yeah, थोड़ा सा पढ़ने में हमें डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हम पहले जो अभी हमने सीखा है 56 का इंटरचेंज करेंगे इट विल बिकम 65. 56 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 10 प्लस 6. 65 को कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 10 प्लस 5. सो इसी कॉन्सेप्ट को लेके वी आर मूविंग फर्दर. ये एक पूरा सॉल्यूशन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, तो इसको आप पढ़ें और समझें कि अगर हम करते हैं वी कंसिडर द डिजिट इन यूनिट प्लेस्ड बी यूनिट प्लेस पर, क्योंकि अभी हमारे पास वी डोंट हैव एनी क्या है नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम एक वेरिएबल सोच लेंगे. तो वेरिएबल हमने इसमें सोच लिया बी, एंड द डिजिट इन द टेंस प्लेस बी डिफर्स बाय 3. तो टेंस प्लेस पे जो हमारा वंस प्लेस पे है और टेंस प्लेस, तो उनमें डिफरेंस है 3 का. सो द नंबर ऑफ यूनिट प्लेस क्या होगा? बी प्लस 3, क्योंकि डिफरेंस 3 का है इसलिए बी प्लस 3. सो द टू डिजिट नंबर विल बी क्या होगा? बिकॉज टू डिजिट नंबर है, तो हमारा टू डिजिट नंबर में क्या होता है? वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस. सो टेंस प्लेस है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, डिफरेंस हमारा कितना जा रहा है? 3 का, दोनों के बीच में. ठीक है, तो हमने उसको बी प्लस 3 सोच लिया. तो ये तो हमारा टेंस प्लेस की वैल्यू आ गई और ये वंस प्लेस की आ गई. वंस प्लेस का हमने सोच लिया, इसके बी की जगह वी कैन थिंक अबाउट एक्स ऑल्सो, हम ए भी सोच सकते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है. बी इसलिए मैंने रखा जैसे आपको मालूम हो कि हाउ कैन वी यूज डिफरेंट वेरिएबल्स. अब व्हेन वी विल ओपन दिस, तो 10 बी हो जाएगा, एंड 10 को जब 10 को बी से मल्टीप्लाई करा इट बिकम्स 10 बी, एंड 10 को 3 से मल्टीप्लाई करा इट्स बिकम 30, एंड देन बी इज देयर. सो 10 बी प्लस बी क्या हो गया? 11 बी प्लस 30. तो वी गेट वन फॉर्म ऑफ दिस. तो यह हमारी क्या आ गई? यह हमारी एक इक्वेशन आ गई. नाउ हमारे क्वेश्चन में क्या था? अगर हम इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स का तो क्या होगा? तो ये जो डिजिट्स है हमने इसको इंटरचेंज कर दिया. मींस क्या हुआ? ये जो बी था दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 10, और ये हमारा बी प्लस 3 जो फॉर्म है ये वंस फॉर्म में आ गया. नाउ व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट, तो हमारा आ गया 10 बी प्लस 3. फिर हमने इसको 10b ऐड करा इट बिकम्स 11b एंड प्लस 3. ठीक है, और अब क्या है? द सम ऑफ गिवन टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 143. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि अगर हम दोनों वो जो चेंज ओरिजिनल नंबर और जो चेंज करा उसको हम सम आउट करें इट विल गेट 143. तो हम क्या करेंगे? 11b प्लस 30 प्लस 11b प्लस 3 इज इक्वल टू 143. कैसे? एक तो हमारा 11b प्लस 30 हमारा फर्स्ट इक्वेशन से, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन से क्या आया? 11b प्लस 3 और टोटल है 143. तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे. सो कैलकुलेट हम यही कर रहे हैं, तो दिस बिकम्स 22b प्लस 30 प्लस 3 33 इज इक्वल टू 143. तो नाउ कैन यू डू द कैलकुलेशन? 22b इज इक्वल टू 143 माइनस 33. तो 143 माइनस 33 कितना हो जाएगा? अगर हमने माइनस करा 110. ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? तो 22b वी विल गेट, यहां पे आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू. तो 22b इज इक्वल टू 110. तो बी इज इक्वल टू 110 अपॉन 22. 11 1 11 0, 11 2 22, 2 5 10. तो बी की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली 5. ठीक है, अब हमें बी की वैल्यू मिल गई,
सो वंस प्लेस पे इट इज टू और हमारा यूनिट्स प्लेस पे क्या है, हमने क्या करा था, ये जो हमने कैलकुलेशन करा था अपना, तो b की वैल्यू इज टू और यहां पे हमारा टेंस प्लेस का डिफरेंस, तो 2 + 3 = 5 एंड 10 × 5 = 50, तो ये हमारा नंबर क्या आ गया 52। सो इस वे में हम जब इसकी वैल्यू पुट डाउन करते चले जाएंगे वी विल गेट द फाइनल आंसर। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो इसके फर्दर जो आपका कैलकुलेशन है, आपको यहाँ पे b इज इक्वल टू 5 वैल्यू मिल गई। सो हमने यूनिट प्लेस पे क्या सोचा था, 5 है, तो एक हमें यूनिट प्लेस की वैल्यू मिल गई। सो द और टेंस प्लेस का जब हम इसमें ऐड करेंगे वैल्यू देन वी विल गेट, तो इस टाइप से हमें पूरा आंसर मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन यू हैव टू डू इन योर कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया 5 years ago, his age was 3 times Shriya's age. Find the present ages. तो इसका सॉल्यूशन आपका यहां पर है कि हमने क्या सोचा, श्रिया की जो एज है प्रेजेंट एज दैट इज एक्स ईयर्स, और अर्जुन से एज क्या होगी, क्योंकि इसमें क्या है, अगर आप क्वेश्चन देखें अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड, तो ट्वाइस एज ओल्ड मीन्स अर्जुन की एज हो गई 2x, श्रिया की एज 5 साल पहले क्या होगी, प्रेजेंट एज में से अगर हम -5 कर दें तो अर्जुन की भी एज 5 years पहले क्या होगी, 2x - 5 years। और अब हमें क्या मालूम है, अर्जुन एज इट इज गिवन के अर्जुन एज 5 years एगो वॉज 3 times श्रियास एज, तो 5 साल पहले अर्जुन की एज थी 2x - 5 और ये हो गया 3 times ऑफ श्रियास एज मीन्स 3x - 5। नाउ यू कैन ओपन द ब्रैकेट, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो अब हम डिजिट्स को चेंज करेंगे, सो द इक्वेशन इज हियर, नाउ वी आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट्स, 2x - 5 इज इक्वल टू 3x - 5, नाउ xx ऑन वन प्लेस एंड -5 + 5, सो अब आप इसको दिस विल बिकम 15 माइनस 15, देखिए तो -15 + 5 ये हमारे पास क्या आया -10 और यहां पे -x, तो जैसा आपको मालूम है xx हम कैंसिल कर देंगे तो x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो मीन्स हमने जो श्रियास एज क्या है 10 years और अर्जुन की एज क्योंकि 2x है तो इट विल बी 2 × 10 दैट इज 20। तो इस टाइप से आप लिखेंगे x हमारी श्रिया की एज है तो श्रिया की एज क्या हो गई, श्रिया की एज इज 10 years एंड अर्जुन की 2 × 10 दैट इज 20 years। सो इस वे में यू हैव टू राइट योर आंसर। ये कैलकुलेशन आपके जैसा अभी मैंने आपको रफ में करके दिखाया है तो यू हैव टू टेक दिस कैलकुलेशन। अब ये वाला आपके सामने इक्वेशन है, सोचिए आप इसको कैसे करेंगे, हमने आपको करके दिखाया है। नाउ इफ द इक्वेशन इज गिवन यू इन दिस वे हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन, तो एक बार इस पर आप थॉट प्रोसेस दें तब आपको इसका आंसर मिलेगा, क्योंकि यहां पर है। सो यहां पे जो अभी हमने आपको समझाया है ये हमने आपको समझाया है, बट ऑन दिस पेज यू हैव टू डू ऑन योर ओन। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? यस, ओके। सो किड्स, आज हम लोगों ने क्या सीखा, टुडे वी हैव लर्न अबाउट कि हाउ बाय टेकिंग द वेरिएबल्स वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस।
उसके साथ हमने ये चीज सीखी कि कैसे हम डिजिट्स का इंटरचेंज करके हम वी कैन डू द कैलकुलेशन. जब अगर वो दे रखा होता है उनकी इंफॉर्मेशन हमें पढ़नी होती है तब हमें हेल्प मिलती है. हमने एक और चीज सीखी कि मान लो हमारे पास कोई नंबर 56 या कोई भी ऐसा नंबर है. सो बच्चों हमने आज क्या सीखा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय टेकिंग द वेरिएबल्स. और द अदर थिंग दैट वी हैव लर्न्ड इज कि हाउ टू राइट नंबर्स इन अ डिफरेंट वे. हम उनकी प्लेस वैल्यू साथ में रखकर देन वी कैन राइट द नंबर्स. अगर आपको याद होगा प्राइमरी क्लासेस में यू हैव लर्न्ड कि यू हाउ टू राइट द एक्सटेंडेड फॉर्म्स. तो एक्सटेंडेड फॉर्म में हम क्या होता है, हम उनकी प्लेस वैल्यू से उनको मल्टीप्लाई करते हैं. तो दिस इसकी प्लेस वैल्यू 10 है तो हम 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. इसकी प्लेस वैल्यू 1 है तो 1 से हम अवॉइड करते हैं टू राइट इट डाउन, हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं. और इंटरचेंज करने पर हमारा क्या होता है, इंटरचेंज करने का वी गेट अ वेरी डिफरेंट नंबर. फिर इस नंबर को लिखने के लिए हमें दूसरा फॉर्म यूज करना होता, मीन्स दूसरा फॉर्म मीन्स हमें अब 10 की जगह क्या लिखना होगा, 6. तो ऐसी ही 73 है, 95 है. तो डू सम प्रैक्टिस टू राइट इट इन दिस वे. जब आपको इसका प्रैक्टिस हो जाएगा तो जो आपको हमारा फर्स्ट सम हमने करा था कि ये वंस प्लेस पे कुछ है उसका 3 times इतना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने में डेट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो अभी हमने कुछ क्वेश्चन करे, एक हमने क्या करा, एक हमने इक्वेशन को बनाई जैसे लास्ट क्वेश्चन में, उसको हमने सॉल्व करा. लेकिन नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे फिर से वो लिखी हुई है, तो उसको आप देखें और उस उतना पोर्शन देख के ट्राई टू सॉल्व इट. क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है. इक्वेशन फॉर्मेशन एक टास्क है, लेकिन जब इक्वेशन बनी है दैट थिंग यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट. सो इन द नेक्स्ट सेशन विद सम मोर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू मीट अगेन. टिल देन टेक केयर, बाय.